मधुबनी उसके फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर हिमाचल प्रदेश के तीर्थ स्थान तत्तापानी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेले का आयोजन लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया उद्घाटन। सुन्नी उप सेवा केंद्र के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का सांसद प्रतिभा सिंह तथा लोक निर्माण मंत्री समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया अवलोकन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, वरिष्ठ राजयोगी बीके रेवादास ने संस्था की गतिविधियों से कराया अवगत। श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में शाहगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा राम दरबार की सजाई गई सुंदर मनोरम झांकी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शाहगढ़ के मज घटिया स्थित प्रांगण में श्री राम लला सरकार की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। इसी उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा, बीके रूपा समेत कई लोग मौजूद। मध्य प्रदेश शहडोल में आयोजित 7 दिवसीय मेले में ब्रह्म कुमारी द्वारा नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। महिला विभाग की अध्यक्षा अमिता चपरा, विधायक मनीषा सिंह समेत कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। बीके पल्लवी, बीके रेशमा ने माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। युवा दिवस पर NSS के स्टूडेंट पहुंचे ब्रह्म कुमारी सिरसा के सद्भावना भवन सेवा केंद्र। लेक्चरर नरेश ग्रोवर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति, बीके शमा और बीके शील ने एकाग्रता और अनुशासन का बताया महत्व। कई प्रकार की गतिविधियां शामिल। अंत में बीके बहनों को मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। रीवा के झीरिया सेवा केंद्र में चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम। संयुक्त संचालक डॉक्टर BL मिश्रा ने स्वस्थ रहने के लिए राजयोग को बहुत ही कारगर विधि बताया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई अधिकारी व बीके डॉक्टर अर्चना रहे मौजूद। बीके प्रकाश ने राजयोग सीखने का किया आह्वान। कोहिमा के 13 असम राइफल्स में राष्ट्रीय युवा दिवस पर दृढ़ मन सफल जीवन विषय पर सेशन। कोहिमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुनीत ने मन की शक्तियों के बारे में बताते हुए कहा कि अगर हम मन जीत सकते हैं तो सफलता निश्चित है। इंदौर के प्रेकांको कॉलोनी सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। बीके दामिनी ने पर्व का अर्थ बताते हुए कहा कि संक्रांति का अर्थ अपने संस्कारों में क्रांति लाना और अपने अवगुणों का त्याग कर सद्गुणों को अपनाना है। छतरपुर सेवा केंद्र पर मकर संक्रांति पर बीके रमा ने बताया पर्व का रहस्य। अन्य सदस्य रहे मौजूद। हम आत्मा जितनी सिंपल हो लेकिन गुणों में उतने ही भरपूर हो, व्यवहारिकता में उतने ही संपूर्ण होने चाहिए। जितने भी हम सिंपल हैं, ब्रह्म कुमार सबके प्रेस पाले बहुत साधारण है लेकिन गुणों में साधारण नहीं। वहीं छतरपुर के MLB स्कूल CM राइस में राष्ट्रीय युवा दिवस पर बीके सदस्यों ने परीक्षा के भय से मुक्त बनने का दिया संदेश। बीके रीना ने सकारात्मक विचारों द्वारा सफलता की ओर आकर्षित करने की दी प्रेरणा। बीके सुमन ने कराया राज्यों का अभ्यास। राइजिंग इंडिया फैकल्टी ट्रेनिंग का महाराष्ट्र में सटाना सेवा केंद्र पर आयोजन। मालेगांव, देवड़ा, चंद्रवाड़, मनमाऊ, नामपुर और सटाना के बीके टीचर्स ने लिया हिस्सा। नासिक से बीके विकास ने बताया कि कैसे राजयोग और आंतरिक मूल्य शिक्षण टॉपिक पर किस तरह से कार्यक्रम करना है। वहीं बीके ममता और बीके अंजुलता ने भी विषय की बारीकियों पर डाला प्रकाश। राष्ट्रीय युवा दिवस पर महाराष्ट्र के सेलो सेवा केंद्र के द्वारा श्रेष्ठ समाज के नींव सशक्त युवा विषय पर कार्यक्रम। शाइनिंग स्टार स्कूल के डायरेक्टर समीर शेंडे, वर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, सेलो सेवा केंद्र प्रभारी बीके दर्शना समेत अनेक लोगों ने युवाओं से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की कही बात। मध्य प्रदेश के इंदिरानगर उप सेवा केंद्र में अयोध्या राम मंदिर का निमंत्रण लेकर पहुंचे राम भक्तों का उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीरू, बीके उर्मिला और बीके मीनाक्षी ने किया स्वागत। साथ ही परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए नशा मुक्त बनने का भी करा संकल्प। आगे कोटा में सुभाष नगर सेवा केंद्र के द्वारा भी लोहड़ी और मकर संक्रांति पर प्रभारी बीके आरती ने दी बधाई। विधायक संदीप शर्मा के धर्मपत्नी गीता शर्मा, पार्षद सोनू धाकर समेत सभी ने किसानों की उन्नत पैदावार और सुख शांति के लिए परमात्मा से मांगी दुआ।
पंजाब के पात्रड़ा सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। माउंट आबू से आए बीके रमेश सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने दी पर्व की बधाई। नगर कौंसिल प्रधान रणबीर सिंह ने भी दी शुभकामनाएं। जैसे हम आग में कोई भी चीज डालते हैं उसका रंग रूप बदल जाता है, ऐसे ही आत्मा की उन्नति के लिए हमने योग अग्नि में अपनी कमी कमजोरियों को भस्म करना है। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र पर मकर संक्रांति श्रेष्ठ विचारों की क्रांति विषय पर महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित। बीके रोहिणी ने बताया पर्व का आध्यात्मिक रहस्य। माननीय फाउंडेशन के अध्यक्षा समाज सेविका डॉक्टर भारती चौहान को बीके रोहिणी ने भेंट की ईश्वरी सौगात। मध्य प्रदेश के हरपालपुर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके आशा ने मकर संक्रांति पर विचार रखते हुए कहा कि मिठाइयां मधुर वाणी और पतंग उमंग उत्साह से आगे बढ़ने का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मेडिकल प्रभाग के संयुक्त प्रयास से नशा मुक्त भारत अभियान एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटेरिया, अनुविभागीय अधिकारी मधुर पटेरिया, बीके वंदना, बीके शिवानी ने बरमान मेले का किया शुभारंभ। नागेंद्र पटेरिया ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसके सराहनीय कार्यों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के आईटीबीपी कैंप में तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला। बीके प्रभा ने कहा कि तनाव मुक्त जीवन के लिए हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। प्रेरक वक्ता बीके झालम, बीके खेमे ने आशावादी दृष्टिकोण से परिस्थिति पर विजय पाने के दिए मंत्र। आबू रोड पिंडवाड़ा के रोहिणा में मेडिकल विंग और रेडियो मधुबन द्वारा नारी सशक्तिकरण और मन बुद्धि व संस्कारों को सशक्त करने की दी गई प्रेरणा। बीके पवित्र ने चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को किया जागरूक। दिल्ली के जैन नगर सेवा केंद्र पर मकर संक्रांति पर दिखा उत्साह। बीके सुंदर ने आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए सभी को दी शुभकामनाएं। बिहार में बेगूसराय सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सेंट जोसेफ स्कूल, विकास विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। भारद्वाज गुरुकुल में भी बच्चों को बताया नशे से होने वाले नुकसान। शाहपुर सेवा केंद्र का भी मनाया गया वार्षिक महोत्सव। केंद्रीय विद्यालय समेत अनेक स्कूलों और कॉलेजेस में भी बीके राजीव ने लोगों में लाई जागृति। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत नाटक के माध्यम से भी देखे आप, ये बहुत जहरीला चीज है। छोटे छोटे बच्चे हमको भी मिलते हैं, पुलिस प्रशासन हमको देता है स्नैक्स सुलोशन खा के बच्चे रेलवे स्टेशन पर पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। छोटा सा बच्चा ये भगवान का रूप होता है और आज जहर खा करके अपना समाप्त लीला समाप्त कर रहा है। बेगूसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन के नेतृत्व में रिवर वैली स्कूल, बरौनी रिफाइनरी डीएवी पब्लिक स्कूल, जीडी कॉलेज ग्राउंड, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल और सेंट पॉल स्कूल समेत अनेक स्कूलों में भी बीके राजीव ने हर प्रकार के नशे से बचने का कराया संकल्प। राज्यों की शक्ति का बताया महत्व। आगे बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, माउंट लिट्रा पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीनिया रेलवे स्टेशन, अटल कलाम भवन प्रखंड कार्यालय और डीपीएस स्कूल में बीके राजीव ने तनाव मुक्त बनकर नशे से बचने का दिया संदेश। सकारात्मक नजरिए द्वारा जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा। इसके साथ ही फाटक मस्जिद के पास व सेंट पॉल पब्लिक स्कूल, टीआई कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय इख्तियारपुर और बेगूसराय मंडल कारागार में बीके राजीव ने सकारात्मक बातों द्वारा सभी का बढ़ाया मनोबल। बच्चों को दी मूल्यों की शिक्षा तो कैदियों को अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का किया आह्वान। वहीं जयमंगल उच्च विद्यालय, डीएसआर मिलेनियम पब्लिक स्कूल, एक्सपर्ट साइंस कॉलेज, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समेत अनेक स्थानों पर बीके राजीव ने दिया ईश्वरी संदेश। सभी स्थानों पर बीके कंचन, बीके खुशबू, बीके जयश्री, बीके मौसम और बीके रंजीत समेत अनेक सदस्यों का रहा अथक योगदान। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।